नमस्कार, बीसीएन न्यूज के गणतंत्र स्पेशल में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, मेरी और बीसीएन न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी को देश भर में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1950 को भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी, 26 जनवरी को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। आइए जानते हैं क्या है ये पूरी कहानी। भारत को आज़ादी भले ही 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण गणराज्य बना। इसी दिन को पूरा भारत गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। संविधान 26 नवंबर 1949 में पूरी तरह तैयार हो चुका था, लेकिन 2 महीने इंतजार करने के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि साल 1930 में 26 जनवरी को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। भारत के गणतंत्र की यात्रा कई सालों पुरानी है जो 1930 में शुरू हुई, जिसके बाद सन 1930 से 15 अगस्त 1947 तक पूर्ण स्वराज दिवस यानी 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। जब गणतांत्रिक राष्ट्र का ऐलान हुआ वो दिन था 31 दिसंबर 1929 की रात में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र में विचार किया गया था, जिसके लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। यह बैठक पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस बैठक में हिस्सा लेने वाले लोगों ने पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की शपथ ली थी, जिसके बाद ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता के सपने को साकार किया जा सके। इसके बाद लाहौर सत्र में नागरिक अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई है और यह फैसला लिया गया 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वही इसी दिन देश का झंडा फहराया गया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की शपथ ली गई थी। इसके लिए भी क्रांतिकारियों और पार्टियों ने एकजुटता दिखाई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने की घोषणा की, जहां भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया तो भारत को अपनी ताकत का एहसास हुआ। देश का संविधान 2 साल 11 महीने और 17 दिन में तैयार किया गया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि सही मायने में भारत को आज़ादी 26 जनवरी को ही मिली थी, जिसके बाद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी को देश भर में गणतंत्र दिवस मनाने की घोषणा की। बीसीएन न्यूज प्रस्तुत गणतंत्र दिवस स्पेशल में वक्त हो गया है यही रुकने का। नमस्कार।